नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं वाया पोलैंड। बहुत पुराना कनेक्शन है इंडिया और पोलैंड की, हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया, लेकिन देखें जो अहम बात है वो ये है, भारत के वजीर आजम पोलैंड में आया तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हजार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमनागढ़ में। इंडिया उस जो शेयर्ड हिस्ट्री है जो तमाम ममालिक की जो बाद में आजाद हुए उसको अकेले क्लेम करता है, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली सारे का क्रेडिट लेना चाहता है? और इसके अंदर 45 ईयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज का, तो अभी तक कोई वहां पर क्यों नहीं गया था? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं खारजा पॉलिसी है उस पर, तो यकीनन उनको बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। अमेरिका का लव है समझ लो ये यूक्रेन, अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है, वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड का दौरा काफ़ी चर्चा में है और उसकी वजह एक नहीं बल्कि है, क्योंकि पोलैंड के बाद मोदी जी यूक्रेन भी विजिट करने वाले हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस जरूर किया होगा कि शायद मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जिस देश का भी विजिट किया उस देश में भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति का ख्याल रखा, बल्कि उसको शोकेस भी किया, दुनिया के सामने दिखाए भी। अगर आप इसी पोलैंड के विजिट के दौरे पे आप अपने सामने स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे मोदी जी का स्वागत पोलैंड में किया जा रहा है। तो मोदी जी ने सबसे पहले हाथ जोड़ करके नमस्ते की और उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि सामने वाला बंदा भी हाथ जोड़ करके ही मोदी जी को स्वागत कर रहा है। तो दरअसल ये तभी होता है जब आप अपने खुद की संस्कृति के ऊपर, खुद के ऊपर प्राइड करते हैं, उस पर गर्व महसूस करते हैं, तो दुनिया भी उसी तरीके से आपकी संस्कृति, आपके प्राइड को और आपको इज्जत के भाव से रिस्पेक्ट देती है या रिस्पेक्ट करती है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। ब्रेकिंग बैरियर्स में हम बात करेंगे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस ह्यूमैनिटी। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज के विजिट्स करता हुआ नजर आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी साहब पोलैंड वार्सा में, उन्होंने वहां पर ऐसी यादगारें, मेमोरियल्स, राजा साहब का जो है बहुत पुराना कनेक्शन है इंडिया और पोलैंड की, हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया, लेकिन देखें जो अहम बात है वो ये है जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज मिलने वाला है? और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है, ये चीज उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, ग्लोबल पीस, दिस इज नॉट एरा फॉर वॉर। अभी तो वो पोलैंड में है। पोलैंड और इंडिया का जो रिलेशन है जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत पुराना है और इसके अंदर 45 ईयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज का, तो अभी तक कोई वहां पर क्यों नहीं गया था?
वहां पर वो पहुंचे हैं और इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में है वहां पर पोलैंड में, वहां से उन्होंने उनसे बातचीत की है, बड़े खुश वहां पर भारतीय जो मौजूद हैं। अच्छा, पोलैंड में जो टुडे विजिट है, अब उन्होंने जैसे मैंने कहा जाम साहिब ऑफ नवाब नगर मेमोरियल जो है, कोल्हापुर मेमोरियल इन वॉर्सा, वहां पर उन्होंने ये अपनी ट्रिब्यूट पेश किया है। इसकी वजह ये है कि जब वर्ल्ड वॉर टू थी तो उस दौरान जो जाम साहिब हैं उन्होंने वहां पर पोलैंड में तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चों को उस जंग के दौरान उनको महफूज किया था, सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, बचाया था, और पोलैंड से बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया था और इंडिया जो जामनगर है, जमुना नगर, वहां पर वो पहुंचे थे और उन्होंने रिफ्यूज हासिल किया था। तो आप देखिए कि कितने पुराने रिलेशंस हैं इंडिया और पोलैंड के। बशानी साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था जिससे मैं चाह रहा था कि आपसे उस इश्यू पे बात की जाए कि और भारत एज ओवरऑल कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार टू की फॉर एग्जांपल जो इंडिया से सोल्जर गए, जो कि उस वक्त एक शेयर्ड टेरिटरी थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, सारे इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहाँ जहाँ जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वार टू में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आज़ादी में। फॉर एग्जांपल इस वक्त भारत के वजीर आजम पोलैंड में आए तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हज़ार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमुनानगर में। इंडिया उस जो शेयर्ड हिस्ट्री है जो तमाम ममालिक की जो बाद में आज़ाद हुए उसको अकेले क्लेम करता है। यहाँ फिर देखने में आया कि सिर्फ जो हिंदू और सिख जो सोल्जर्स हैं उनकी ज्यादातर वो बात करता है, जो मुसलमान सोल्जर्स थे उस शेयर्ड हिस्ट्री से उनका कहीं पे कोई जिक्र कभी नहीं आया। और पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया के किसी मुल्क से कभी इस तरह कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं की। आप क्या देखते हैं ये जो नया ट्रेंड इंडिया ने शुरू किया है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वार टू के हवाले से जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन थी, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली इस सारे का क्रेडिट लेना चाहता है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी और कंट्रोवर्शियल। पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में वाहिद काम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर को कट लगाती है एक डेट पे आके जो 14 अगस्त 1947 है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है वो इंडिया क्लेम करता है वो सिर्फ हिंदू या सिखों का नाम लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वो अगर बात करते हैं तो इंडियंस की करते हैं कि इस फ्रंट पे इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है, अब या आप अपने आप को तस्लीम करें कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे, यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे।